Hi guys, welcome back to my channel. So about today's video, नमस्कार भाइयों, आपका हमारे चैनल पे दोबारा स्वागत है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं इन तीनों के चंगुल से छूट चुकी हूँ एंड फाइनली द एक्सट्रीम डेयर वीडियो इज हेयर फॉर यू गाइज। एंड अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, सो हम अभी अपना फर्स्ट डेयर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। तो मैं ऊपर चल के तुम लोग को अपना डेयर बताती हूँ। आर वी रेडी गाइज? वी आर, वी आर फाइनली हियर। सो हम गाना चला रहे, मम्मी का कॉल आ गया तो क्या होगा? तो एयरप्लेन मोड पे डाल देना थोड़ा। गाना डाउनलोड है कैसा फील हो रहा है? नर्वस। नर्वस? आई एम नर्वस। बट तुम लोगों ने डेयर दिया, सो वी नीड टू डू इट। आई विल टेल यू व्हाट द डेयर इज इन सम टाइम। एक को लोगों के रिएक्शन लेने, अब तुम मेरे से बता दो कौन क्या करेगा। मुझे बना दूंगा, ठीक है? आई विल टेक पीपल्स रिएक्शन। कूल। तो गाइज हमारा फर्स्ट डेयर इज कि मुझे और आयुष को मेट्रो स्टेशन पे डांस करना है फॉर सम टाइम एंड कोई भी हम रैंडम वियर्ड गाना चुन सकते हैं। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हमने स्वागतम स्वागतम करके गाना है और हम लोग ये मेट्रो की एंट्री पे खड़े हुए हैं एंड वहाँ से लोग आएंगे और हम अपना स्वागतम स्वागतम चालू कर देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा गाना है जुम्मा जुम्मा, तो उस पर विल हैव फन। बट अभी पहले स्वागतम स्वागतम वाला कर देते हैं, देखते हैं लोगों का रिएक्शन। और इट इज व्हाट इट इज, आई हैव गॉट अ डेयर एंड वी विल डू इट। लेट्स गो, वी गॉट दिस। मुझे घर जाना है। भागने के लिए रेडी भी तो होना है। अरे यार कि तुम स्पाइडरमैन की ट्यून क्यों गा रहे हो? पहले भाई सीरियस भाई। डांस एंड भीड़ आने वाली है, जा रहे हैं भीड़ के। ये लोग मतलब भीड़ से चलते हुए आएंगे और जैसी भीड़ आएंगी आई विल स्टार्ट डांसिंग एंड फिर मैं इसको आयुष को पकड़ूंगी एंड विल स्टार्ट डांसिंग। सही में भाई भाई कितना थोड़ी है लोगों से बात करने का। भाई चार आ रही है, भाई नाच भाई कुछ चलेगा एकदम। ये देखिए फोन दो उसको। ये उम्र वाई तो आ जा।
हमारा दूसरा डेयर ये था कि हम ऐसे ओवरहेड कोई ऐसे टंकी पे जाके ऐसे स्प्रे पेंटिंग करनी है। तो अभी ये लोग गए थे बात करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया कि इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और मना कर दिया यार, समझ नहीं आ रहा। टाइम को वी आर ट्राइंग गाइस। क्या बोला आपने वाजा जी? मैंने कहा हमें कॉलेज के स्टूडेंट हैं एंड वी हैव टू रिकॉर्ड अ प्रोजेक्ट। हमने बाहर से थोड़ा वाटर टैंक के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, हमने बाहर से थोड़ा कर लिया रिकॉर्ड, अब हम थोड़ा अंदर का शूट करेंगे एंड 10 सेकंड का हमें ऊपर का एक शॉट चाहिएगा। बोलते नहीं 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 भैया, हमारी नौकरी चली जाएगी रितु मैडम। नहीं फॉर रियल रितु भैया, कुछ और सोचते हैं। नहीं होने दे रहा गाइस, हमने पापा को हेल्प के लिए बुलाया था और वो बॉन्ड कर रहे हैं भाई, पता नहीं अंदर पता नहीं किसके साथ बैठ के, मतलब कोई बता नहीं सकता कि पापा का नेक्स्ट मूव क्या है। ही सो अनप्रेडिक्टेबल, चले गए भाई अंदर, बैठ गए, कंफर्टेबल हो गए। यही तो है मेरा घर, तुम आउटसाइडर्स हो। उनको परमिशन देके आ जाएंगे कि आप टंकी पे चढ़ो। चढ़ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हम ये सेकंड वाली टंकी पे आए थे, यहाँ पे हमने सोचा था कि होपफुली चेक कर लेते हैं होगा या नहीं होगा, बट अभी तो यहाँ पे भी मना ही कर रहे हैं लोग कि मतलब हमें अलाउड नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी ह्यूज टंकी है ये, बट लेट्स सी कि कुछ छुप छुपा के जा सकते हैं, तो आई विल ट्राई। वैसे मना है मतलब क्योंकि गवर्नमेंट का है पूरा, तो सब उनके अंडर आते, फुल परमिशन वगैरह लेनी होती है, मतलब ऐसे ही एम ही जाना होता तो कोई भी चला जाता, इसलिए वो लोग काफ़ी मना कर रहे हैं, बट अभी भी वी आर ट्राइंग, मे बी स्नीक इन करके जा सकें, तो लेट्स सी गाइस। हम छुपते छुपाते जा रहे हैं ऊपर एकदम स्ट्रेट फेस के साथ, हमें टंकी आई कैन नॉट बिलीव भाई, क्या हम पुल ऑफ कर पाएंगे? यस yes. बाकी हमारे दो मेंबर्स बाहर हैं, ये और मैं जाएंगे ऊपर। मैं नहीं जा रहा ऊपर, तू जा रहा है ऊपर अंकल के साथ। मैं ही जाऊंगी ऊपर, वो अकेले जाएगी भाई। ये भी तो जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। अरे भाई रन में ठीक है, मैं ही ऊपर जा रही हूँ। ओह भाई शिट, मेरे को डर भी लग रहा है कहीं ऊपर कोई दिख गया तो मुझे भाई, तो भाई तो पत्ते पत्ते भी हैं। यहाँ से ना डर भी लग रहा है अब, और मैं पहली बार आई हूँ पानी की टंकी पे। ओ भाई मेरी हालत खराब है, ओ भाई कहाँ है भाई, सांस चढ़ गई मेरी। लोग के डेयर के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है भाई। सो बेसिकली अगर मैंने तुम्हें डेयर अभी तक ढंग से समझाया नहीं है, तो मुझे एक डेयर मिला था वैंडलिज्म का, ये कोई भी ओवरहेड टंकी पे जाके मुझे अपना नाम लिख के आना है स्प्रे पेंट से, तो यहाँ पे एकदम फटाफट हुआ सब कुछ, तो मैं स्प्रे पेंट तो नहीं ला पाई, बट आई एम हियर, और मैं पेन मार्कर से अपना नाम लिख दूंगी। वो देखो आई थिंक पूरा नोएडा मुझे दूर दूर तक दिख रहा है, एंड ये ऊपर तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं, इतनी सी जगह है, तो मैं उधर नहीं जा रही, मैं नीचे यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ फटाफट। सॉरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग आ रही है अभी भी, दिस इज फॉर यू गाइस।
एंड आई एम नाउ ऑफिशियली डन विद माय डेयर. पानी की टंकी एंड द व्यू एंड आई एम हियर एंड आई कंप्लीटेड माय डेयर गाइस. दिस इज डेयर नंबर 2 एंड आई फाइनली डिड इट. ओह भाई दिस इज क्रेजी फॉर रियल. मतलब मिस आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन भाई. अब मेरे को डर लग रहा है नीचे उतरने में तो पूरा भाई. ऐसा अगर मैं उड़ रही हूँ बिल्कुल ऐसा अगर मैं हवा में हूँ. नीचे खड़े ये टूटता भी नहीं है. इसके नीचे से जाना पड़ेगा मुझे. जाऊं भी कैसे. ओ भाई तो बहुत ज्यादा ऊंचा था. मतलब मुझे लगा मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे ऊपर जाने पर. मैं 5-7 मिनट में पहुंच गई थी. अरे भाई कितने सारे हैं ये. अभी मैं अटक भी गई थी एक में. Guys, I did it. Let's go. Finally हो गया. जल्दी से नीचे उतर जाते हैं. यहाँ पे prohibited है पूरा. मतलब I'm not even allowed. So yeah. हो गया. We did it. Boys, we did it. लिख दिया मैंने ऊपर जाके अपना नाम. सब तुम सबके लिए hearts भी बना दिए. तेरे लिए नहीं. अपनी ऑडियंस को बोल रही हूँ. थैंक यू भाई. क्या व्यू आ रहा है ऊपर. वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट डेयर जो हमारा लास्ट थर्ड डेयर है. हम वो करने जा रहे हैं. और हमारा थर्ड डेयर ये है कि मेरे को ऐसे कोई रैंडम सी जगह पे जानी है जहाँ पे लोग कुछ खाना वाना खा रहे हो एंड मेरे को उनके हिस्से का मतलब खा लेना है. तो हम जाएंगे पीछे. अभी हम निठारी साइड जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं. तो वहाँ देखते हैं कि लोग क्या खा रहे हैं क्या चल रहा है वहाँ पे. और लेट्स सी इफ आई कैन पुल इट ऑफ. मतलब वैसे तो मैं कर ही लूँगी बट ऐसे थोड़ा अजीब लगता है भाई. किसी की प्लेट में से खाना निकाल लो बट या. तो जिसने डेयर दिया है आई विल पॉप द स्क्रीन शॉट ऑफ इट हियर एंड द स्क्रीन शॉट. क्या खा रहे हो भैया. क्या ये है. वेज मोमोज है. एक ले लूँ इसमें से खा के देख लूँ. अच्छे बनाए हैं. बढ़िया सा अच्छे बनाए भैया. बहुत थैंक यू भैया. ये क्या खा रहे हो. गोलगप्पे. गोलगप्पे एक ले लूँ मैं. ये वाला प्लीज ले लूँ. एक एक ही लूँगी बस पक्का. हाँ प्लीज एक दे दो. चल एक ले मैं खिला दूँगी आप भैया. एक ले दो भैया. नहीं प्लीज भैया. अरे अरे बोलो ना खिला दे. बोलो ना तो प्यार से मांग रही हूँ. नहीं प्लीज. अरे मैं आपको दूसरा खिला दूंगी. नहीं एक खिला दो प्लीज. प्लीज भैया एक खिला दो. मैं आपको दो और खिला दूंगी. चलो दे दो. मैं इतने प्यार से मांग रही हूँ. दे दो. वो हो तो देखो सिल भी गया इतनी बहस में. एक मोमो मैंने खा लिया है ठीक है. और एक गोलगप्पा भी मैंने किसी का खा लिया. अभी ना एक साइड में भैया खड़े हुए हैं और वो बर्गर खा रहे हैं. तो अब उन्होंने पिछले वाले ने बहुत नाटक किया कि मैं ऐसे नहीं करूँगा ऐसे नहीं दूंगा. अब देखते हैं मतलब वो हमें देंगे कि नहीं देंगे. तो मैं चुपचाप जाके पूछ लेते हैं मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है. भैया क्या खा रहे हो. अच्छा है भैया. एक थोड़ा सा खा लूँ मैं इसमें से. ऐसी मतलब टेस्ट पता चल जाएगा ना फिर मैं भी ले लूँगी अंकल से. मैं आपको जानता नहीं हूँ. अरे तो हो जाएगी जान पहचान. इसमें क्या है. दे दो भैया. मतलब अच्छी बात है ऐसे. अच्छा अच्छी बात है. खिला दो भाई खिला दो. हाँ अंकल ही है बस मेरे साथ ही. वही ठीक से बताते हैं मेरे को. प्लीज भैया थोड़ा सा खाना. खिला दो. थोड़ा क्या जा रहा है भाई. मैं तो थोड़ा सा लूंगी साइड से. चटनी भी ले लूं. अंकल बनाते तो आप बढ़िया. गोलगप्पा भी आपका बढ़िया था. बर्गर भी बढ़िया है. देखा इतना सही लिया मैंने. इतना चीची कर रहे थे आप.
सो गाइज आई एम फाइनली डन विद माई डेयर्स एंड एज आई मेंशन इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी देयर इज गोइंग टू बी वन विनर आउट ऑफ दीज थ्री डेयर्स जो कि तुम लोग डिसाइड करोगे कि हु इज गोइंग टू विन. सो मेक श्योर यू गाइज कॉमेंट डाउन जिसने भी तुम लोगों ने देखा होगा जो स्क्रीन शॉट पॉपअप हुए उन्होंने उनके नाम लिखे हुए हैं. सो मेक श्योर कि तुम लोग उनके नाम कॉमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि जितने ज्यादा एक इंसान का नाम आया दैट इज गोइंग टू बी द विनर एंड देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गिफ्ट फॉर देम. सो डू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड अपने रिव्यूज भी प्लीज 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 देना एंड आई hope that you enjoyed this video and if you did please make sure to like comment share and subscribe to my channel. I'll see you guys. isne bajrang dal wale ki bol raha hai number hum sarvada vinir mukta dhanani se ye log mere vlog ke chakkar mein inda character mein ghus chuke sari meri bada sada nikali mujhe haath par bandh diye inhone apne tike mein itna kya method acting karni hai bhai.